वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू जनरल साइंस ऑनलाइन क्लास ऑफ स्टैंडर्ड सेवेंथ. स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग चैप्टर टू प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस. इन आवर प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैड सीन अबाउट द डिवीजन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स आर divided into roots, stem, leaves, then flowers and fruits. So depending on that basis, we are moving forward to the next topic, that is leaf. Leaf means patte. So students, one thing you have to remember before starting this, take out your textbook and go through it along with me. Now let's see about next topic, that is leaves. We know that leaves grows from the node section of stem. What is node section? If this is stem, this part is a node part and this one is a internode part. Already I had told you in my previous lecture. So from this node part se hi koi bhi leaves nikalti hai. इस तरह से. सो डिपेंडिंग ऑन दिस आपने देखा होगा कि वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर अवेलेबल ऑन अवर प्लैनेट अर्थ. यहां पर कई किस्म के प्लांट्स हैं और सभी प्लांट्स में उनकी जो लीव्स होती है, उनके जो पत्ते होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं. सो उन्हें डिफरेंशिएशन को हम देखते हुए आज समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी लीव्स की क्या पहचान हो सकती है. विच लीव्स हैव प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द शेप. सो लुक हियर इन दिस फिगर. दिस लीव इफ यू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ लीव इन द plant of guava, yes, guava plant. If this leaf pattern is there, then it should be entire. इस प्रकार के लीफ को हम क्या कहेंगे? Entire leaf कहेंगे. क्या कहेंगे इसे? Entire means देखो पूरी leaf. जैसे leaf होती है उसी तरह से ये पूरी leaf. इसको कहेंगे हम entire leaf. This is entire leaf pattern. Then look here, this is dented, this leaf is dented. How? Because at this part, ups and downs are there, like projections. If this type of projections are observed in any type of leaves, in any plant, then you have to identify it as dented leaf. इसे आप क्या कहोगे? डेंटेड लीफ. देन लोब, दिस इज लोब लीफ. लुक हियर, यहां आपको ये लोब्स नजर आ रहे हैं. लुक हियर, ऑल दीज आर द लोब्स. इफ यू ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ लीफ एनीवेयर इन एनी प्लांट, देन यू हैव टू कंसिडर इट लोब्ड. व्हाट इज लोब? Then students, we will move further to the leaf section. In leaf section, जो leaf का ऊपर का part होता है, the apex part, the section of leaf at the upside, जहां पर उसका tip होता है, that tip part is called as its apex part.
देन उसका जो आउटर पार्ट होता है पूरा लीफ का, ये जो आउटर पार्ट होता है उस आउटर पार्ट को हम कहते हैं लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। देन आपको पता है जिस जहां से लीफ स्टेम पे लगा होता है, यानी ये पार्ट, यहां से यहां तक का पार्ट जिससे लीफ अटैच होता है स्टेम पर, उसे कहते हैं हम पिट्यूल। क्या कहते हैं? पिट्यूल। और लीफ के अलावा अगर लीफ में अगर दो आउटर छोटी छोटी अगर लीव्स आ रही है तो उसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं हम उसे? स्टिप्यूल। और कोई भी लीव्स जिसका सेंटर से एक पार्ट जाता है, सेंटर से मीन्स बीच से, उसे कहते हैं हम वेन। क्या कहते हैं? वेन। दैट पार्ट इज कॉल्ड वेन पार्ट। देन अगर वो वेन बीच में से जाती है लीफ के, कोई भी लीफ के अगर बीच में से कोई जाती है वेन, तो उसे कहते हैं हम लीफ ब्लेड, सॉरी लीफ मिड वेन, मिड वेन, इट इज कॉल्ड एज मिड वेन। जो भी वेन यहाँ बीच से जाती है उसे कहते हैं हम मिड वेन। यस। देन नेक्स्ट पार्ट दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ। सभी प्लांट्स के लीव्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। यदि किसी प्लांट में आप देखो यहां एक पत्ता अगर यहां से आता है और एक उसके नीचे से आता है ऐसे, सो दिस पार्ट शोज अल्टरनेट अरेंजमेंट। यहां देख सकते हो आप इस फिगर में, दिस फिगर शोइंग अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ, दैट इज अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ पैटर्न। देन द ऑपोजिट अरेंजमेंट, ऑपोजिट अरेंजमेंट मीन्स लुक हियर अगेन इन दिस फिगर इज शोइंग द ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इस तरह से एक लीफ इधर से निकलेगा और एक लीफ इधर से निकलेगा, बराबर एक दूसरे के ऑपोजिट ऐसे निकलती है, तो उसे कहते हैं हम ऑपोजिट लीफ अरेंजमेंट। देन है वर्ल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड मीन्स गोल, इस तरह से ऊपर जाते हैं लीव्स, तो उसे कहते हैं हम वर्ल्ड, वर्ल्ड पार्ट ऑफ लीफ इन द प्लांट विच शोइंग द वर्ल्ड लीफ पैटर्न अरेंजमेंट। देन द लास्ट इज डिकसेट, विच पार्ट? डिकसेट, डिकसेट अरेंजमेंट मीन्स इस तरह से अगर कोई लीफ ऐसी है तो दूसरा अरेंजमेंट ऐसा आएगा, मीन्स इफ लीफ पैटर्न शोज लाइक दिस देन अनदर इज लाइक दिस देन अगेन लाइक दिस, दिस इज द डिकसेट अरेंजमेंट ऑफ लीफ पैटर्न्स। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी स्टडीड अबाउट द लीफ एंड द लीफ पैटर्न एंड इट्स अरेंजमेंट, किस तरह से लीव्स का अरेंजमेंट होता है प्लांट्स में, हमने ये लेक्चर में यही देखा। और हमने एक लीफ के बारे में भी समझा जिसमें हमने क्या क्या देखा, लीफ एपेक्स, मिड वेन, वेन, लीफ ब्लेड और स्टिप्यूल, ये सब हमने लीफ में देखा। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब आपकी प्रैक्टिकल कॉपी मीन्स साइंस क्लासवर्क कॉपी में डायग्राम्स भी बनाने हैं, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। टिल देन थैंक यू।